अरे भाई, अच्छे कुल खानदान से आता हूँ, सुन लो, अच्छे कुल खानदान से आता हूँ, अच्छे परिवार से आता हूँ। आह का पैसा, गरीब के दुख को दे करके पैसा, गरीबों से लूटा गया पैसा, हमको नहीं चाहिए, कोर हो जाएगा का पैसा मैं लेने का काम करूंगा। आज नहीं कल मेरे ऊपर गिरेगा, मेरे बच्चों के ऊपर गिरेगा, मेरे परिवार के ऊपर गिरेगा, ऐसा पाप का पैसा जो गरीबों का शोषण करके, जो गरीबों को 10 रुपए में जो इलाज हो सकता है, उस गरीब से जो 10,000 रुपया वसूला है डॉक्टर, उसका अगर चाय मैं पी लूंगा तो मेरे परिवार के बच्चों को झेलना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। मुझे कोर नहीं करवाना है, मुझे अपने बच्चों को नर्क नहीं झेलवाना है, मैं ऐसा गलत काम कदापि नहीं कर सकता हूँ। कौन क्या कह रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ जाओ और झूठे कहो मेरा पेट दर्द कर रहा है, और उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएंगे, जांच लिखेंगे, बताएंगे करवाओ ये करवाओ, सब करवाओ, सब पैसा मिल जाएगा, चिंता मत करना, अपने आप सब देंगे। अब उसके बाद फिर थाने में आओ, FIR करो उस अस्पताल के ऊपर कि भैया मैंने सरकारी अस्पताल में जांच कराई और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एकदम फिट फट हो, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस चोर अस्पताल में आ गया, इस फर्जी अस्पताल में आ गया, ये कह रहे हैं नहीं आपको अपेंडिक्स हुआ है, पीलिया हुआ है, ये हुआ है, ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इतनी गोली खानी पड़ेगी, इतनी जांच करवाना पड़ेगा, यानी ये व्यक्ति गरीब का शोषण कर रहा है, इसके ऊपर FIR करो और आप आओ मेरे पास रिपोर्ट लेकर के। मैं रमेश मिश्रा वादा कर रहा हूं उस अस्पताल के ऊपर FIR कराने का मैं काम करूंगा। बहुत लोग आरोप लगा रहे होंगे, बहुत लोग कह रहे होंगे जब आप काम करोगे तो आपको आरोप झेलना पड़ेगा। मैं पुल बनवा रहा हूँ, सड़क बनवा रहा हूँ, मेरा विरोधी होगा, वो कहता है अरे विधेयका 20 करोड़ किया काम कराओ तो 10 करोड़ किया काम कराओ तो हमें इतना। आप जान लो इस अस्पताल के प्रकरण में जो सही है वो अस्पताल चलाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलत है वो किसी भी कीमत पे अस्पताल नहीं चला पाएगा और मुझसे पैरवी नहीं करा पाएगा, इसको नोट कर लेना। यानी किसी के चक्कर में अगर कोई ये भी नाम ले रहा हो कि चलो मैं विधायक जी से मैनेज करवा दूं, तो मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, ये विधायक मैनेज होने वाला विधायक नहीं है। अगर मैनेज होने वाला विधायक रहा होता तो दूसरी बार बदलापुर का विधायक नहीं बना होता। हो सकता है मैंने सबको खुश नहीं कर पाया हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने दिल से सेवा किया था। आज जो दिल से सेवा किया था, इतनी कठिन लड़ाई में, इतने जात पात भेदभाव में, इतने कम वोटों से चुनाव अगर जीता हो तो कहीं ना कहीं मैंने कोई नेक काम किया था, बदलापुर की दिल से सेवा किया था। तो जो सेवा किया था गरीबों की, मुझे दुआ लगी, मुझे गरीबों की दुआ लगी। ऐसे जो मजलूम थे, दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन जो मेहनत किए, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, ऐसे लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से दोबारा विधायक बना हूं। अगर खो भी रहा होता तो नहीं बनता, ये आप जान लो, और कभी कोई मुझे डिगा नहीं सकता इस रास्ते से। इसलिए आप समझ लेना, लोग रूमर उड़ाएंगे, तमाम बातें करेंगे या, लेकिन हम चाहते हैं कि ईमानदारी से हम काम करें। यह पार्क बन रहा है कि ईमानदारी से पार्क बने। दूसरी बात, इतना ध्यान रखिए, इस समय डेंगू का अस्पतालों की जांच का अभियान चलाया है, तो तमाम लोग कह रहे हैं ये विधायक जी वसूली करने के लिए कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं विधायक जी के लोग, कुछ लोग लगे हैं इसमें वसूली कर रहे हैं। अरे भाई, अच्छे कुल खानदान से आता हूँ, सुन लो, अच्छे कुल खानदान से आता हूँ, अच्छे परिवार से आता हूँ। आह का पैसा, गरीब के दुख को दे करके पैसा, गरीबों से लूटा गया पैसा, हमको नहीं चाहिए, कोर हो जाएगा, का पैसा मैं लेने का काम करूंगा। आज नहीं कल मेरे ऊपर गिरेगा, मेरे बच्चों के ऊपर गिरेगा, मेरे परिवार के ऊपर गिरेगा, ऐसा पाप का पैसा जो गरीबों का शोषण करके, जो गरीबों को 10 रुपए में जो इलाज हो सकता है, उस गरीब से जो 10,000 रुपया वसूला है डॉक्टर, उसका अगर चाय मैं पी लूंगा तो मेरे परिवार के बच्चों को झेलना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। मुझे कोर नहीं करवाना है, मुझे अपने बच्चों को नर्क नहीं झेलवाना है, मैं ऐसा गलत काम कदापि नहीं कर सकता हूँ। कौन क्या कह रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब मैं काम करूंगा तो आरोप लगाएंगे,
और ऐसे लोग इस समझ लेना, जितने अस्पताल वाले हैं इस समझ लेना, किसी के बहकावे में मत आना। आपका अस्पताल सही है, आपके पास प्रमाण पत्र है, आपके अंदर जानकारी है ऑपरेशन करने की, आप अस्पताल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करा के अस्पताल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्जी अस्पताल चलाएगा, कोई अगर फर्जी अस्पताल चलाएगा, ये पक्का जान लो कार्रवाई तो होना सुनिश्चित है। और रमेश मिश्रा को कोई देगा ऐसा पाप का पैसा, जो गरीबों का शोषण करके, जो गरीबों को 10 रुपए में जो इलाज हो सकता है, उस गरीब से जो 10,000 रुपया वसूला है डॉक्टर, उसका अगर चाय मैं पी लूंगा तो मेरे परिवार के बच्चों को झेलना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा। मुझे कोर नहीं करवाना है, मुझे अपने बच्चों को नरक नहीं झेलवाना है। मैं ऐसा गलत काम कदापि नहीं कर सकता हूं। कौन क्या कह रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं काम करूंगा तो आरोप लगाएंगे। और ऐसे लोग इस समझ लेना, जितने अस्पताल वाले हैं इस समझ लेना, किसी के बहकावे में मत आना। आपका अस्पताल सही है, आपके पास प्रमाण पत्र है, आपके अंदर जानकारी है ऑपरेशन करने की, आप अस्पताल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करा के अस्पताल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्जी अस्पताल चलाएगा, कोई अगर फर्जी अस्पताल चलाएगा, ये पक्का जान लो कार्रवाई तो होना सुनिश्चित है। और रमेश मिश्रा को कोई खरीद नहीं सकता, ये समझ लेना, कोई नहीं खरीद सकता। कहने को चाहे जो कोई कह दे, मैं तो महोत्सव कराता हूं, महोत्सव में कितने लोग आरोप लगा देते हैं। अगर मैं आरोप से डर गया होता तो आज मैं विधायक ही नहीं लड़ता। मैं आरोपों से डरने वाला नहीं, अपने अंदर ईमानदारी होनी चाहिए बस। और मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं पूरी ईमानदारी से बदलापुर की सेवा कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से। कौन क्या कह रहा है उसको कहने दो। और अगर कोई अस्पताल, कोई अगर अस्पताल वाला जो अगर मेरी बात सुन रहा हो, वो भी जान लो, अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है, कोई आपसे दोहन कर रहा है, कोई आपसे जांच के नाम पर, आपके रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा मांग रहा है, आप लिखित हमको एप्लीकेशन दो। अगर आप लिखित नहीं दे सकते हो, अगर आप लिखित नहीं दे सकते हो, आप मुझे धीरे से कान में आके बता दो, आप मुझे धीरे से आके कान में बता दो कि मुझसे फरार अधिकारी पैसा मांग रहा है। मैं एक दिन में उस अधिकारी को सस्पेंड कराने का काम करूंगा। एक अधिकारी था, बाबू था रजिस्ट्रेशन के नाम पर, जिसका नाम था मनोज यादव, वो जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूली करता था। मुझे जैसे